हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज की इस वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे के साथ। अभी हमारे घर का काम नहीं हुआ, बट उससे पहले आज हमें जाना पड़ेगा खेत में। खेत से आने के बाद करेंगे घर का पूरा काम। और आज का मौसम देखिए दोस्तों, कल बहुत ही भयंकर धूप लगी हुई थी, बट अभी थोड़ा ठीक है मौसम, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। और इधर दादी जी लगी हुई हैं काम पर, और दादाजी भी यहाँ पे दादाजी कर रहे हैं मक्की को सुखाने का काम। दादाजी बहुत सारी मक्की हो रखी है। मक्की की रोटी भी खाई? ठीक है, मक्की की रोटी भी खाया है। अच्छा, मड़ुआ की भी खाया है, गेहूं को भी खा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो अभी मैं पहले चल लेती हूँ खेत में। और यहाँ ना कुछ समय पहले बहुत सारी मक्की हो गई थी और अभी ख़त्म भी हो गई है। तो जहाँ जहाँ पे जिस जिस खेत में मक्की बोई गई थी, उस खेत में अब आलू लगाए जाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं आलू की बुवाई करने के लिए, और आज कोई स्पेशल इंसान भी आ रहे हैं घर, तो वो तो आगे वीडियो में बताऊँगे। फिर घर का काम भी करना है, अभी पहले चल लेते हैं, फिर जल्दी से आके तब मिलेंगे। पे मैं अपनी दरांती और कुदाल को लेकर निकल पड़ती हूँ खेत की ओर। तो दोस्तों, सस्पेंस क्या ही रखना है, तो आप लोगों को बता देती हूँ, आ जाने वाले हैं हस्बैंड जी घर। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज मैं सोच रही हूँ साड़ी पहनूँ क्या पहनूँ, अभी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी वो पहुँच चुके हैं हरिद्वार में, और शायद 12-1 बजे तक घर पहुँच ही जाएंगे, तब तक हम लोग भी आ जाएंगे घर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जितनी भी मक्की लगी हुई थी, सारे लोगों ने मक्की के पेड़ों को काट दिया है। कुछ कुछ रह रखी हैं वो वाली पछेती मुंगरी हैं, यानी कि पछेती वाला मक्का जो कि पीछे होता है, ये अगेती वाली जो कि आगे हो गया था, तो ये वाली काट दी हैं लोगों ने। अभी मुझे यहाँ से आगे जाना है, थोड़ा सा ही आगे पे चल कर है हमारा खेत। और कुछ कुछ खेतों में ना मक्की के साथ साथ मंडवे को भी बोया गया है, तो मंडवा तो अभी पकानी है, तो वो खेत वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मक्की के साथ साथ मंडवा बोया गया है, तो मक्की तो लोगों ने निकाल दी है, मक्का ये मंडवा तो अभी हुआ नहीं है, इसको ये हो जाएगा अक्टूबर तक। और मैं भी फाइनली पहुँच ही चुकी हूँ अपने खेत में, तो चलते हैं आगे पर और यहाँ पर लगाते हैं थोड़े से आलू। और व्यू देखिए दोस्तों, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। दोस्तों अब टाइम हो चुका है 8:45 और हमारा पूरा काम हो चुका है कंप्लीट। इस वाले खेत में हमने पछेती मुंगरी यानी कि मक्का बो रखा है, जो कि अभी पकी नहीं है ये वाले मक्के, तो ये थोड़ी देर बाद पकेंगे। तो आज हमने इसकी निलाई की, यानी कि जितना भी इसके अंदर का कोड़ा था वो सारा निकाल कर, और किनारे किनारे जितना भी घास हो रखा था वो हमने काट लिया है, और साथ में इधर से लेकर वहाँ तक हमने बो लिए हैं आलू। बाद में इस वाले खेत में भी आलू बोए जाएंगे, बट अभी हम मक्का है तो अभी नहीं बोएंगे, कुछ समय बाद यहाँ बोया जाएगा। यहाँ हो चुका है काम कंप्लीट, आगे हमने लगाया हुआ है पिंडालू, उसकी गुड़ाई भी हो चुकी है, सारा काम हो चुका है कंप्लीट। और अब हम लोग चलते हैं घर की ओर, यहाँ पर रही हमारे घास की पुली, इसको लेकर चलते हैं। और आज अभी घर में भी कुछ भी काम नहीं हुआ है, तो घर भी चलना है अभी, फिर घर का काम करते हैं। अभी चलते हैं घर की ओर, और दादी भी आ रखी है खेत में, उधर है दादी। तो अभी मैं ना खेत से घर पहुंच गई हूँ, और खेत से मैं ये लेके आई हूँ मक्का का, मुंगरी के पत्ते। तो इसको मैं अपनी बकरियों के लिए बांध देती हूँ, कुछ इस प्रकार से बांधना होता है उनको, ताकि बकरियाँ इनको आराम से खा लें और नीचे ये गंदा भी ना करे, इस वजह से इनको ऐसे बांधकर खिलाया जाता है। यहाँ पे मैंने अपनी एक बकरी को तो बांध लिया है थोड़ा सा, और बकरियों के लिए भी बांध देती हूँ, इस प्रकार से लेना है और फिर इनको बांध देना है। और यहाँ पे ये बकरियों को बांधने वाला काम तो मेरा हो चुका है। अभी थोड़ा सा यहाँ का गोबर वगैरह है, इसको साफ करना है, इसके बाद जब थोड़ा सा झाड़ू लगाना है, और थोड़ा सा किचन की सफाई करनी है, थोड़ा सा बर्तन धोने हैं, इतना काम रखा है। आज सुबह ये वाला काम नहीं हो पाया, कम खेत चले गए थे, अभी जल्दी जल्दी करती हूँ तो काम निकाल के फिर मेरे को तैयार होना है, क्योंकि मैंने बता दिया ना क्यों। तो दोस्तों अपनी बकरियों को मैंने चारा दे दिया है, गोबर वगैरह निकाल लिया है, अब आ रही आती है झाड़ू वगैरह लगाने की, सफाई करने की कमरों की, और फटाफट से मैं झाड़ू लगाती हूँ, अपना काम ख़त्म करती हूँ। मेरे देवर जी बहुत ही ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं,
ये देखिए। और मक्का इतना होता है यहाँ, फिर भी यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि इस टाइम पे कुछ भी मक्का नहीं हुआ। खैर हमारा तो नहीं है, हमारा केवल ये और ये वाला है। बाकी जो आगे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला चाची जी लोगों का है, यानी कि ये मेरे चाची सास का बेटा है, उनकी है। और धूप तो के धूप, भयंकर धूप लग रही है। तो दोस्तों अब टाइम हो चुका है दिन के 12:30 और हस्बैंड जी पहुंचने वाले हैं नीचे सौर पानी में। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा था आज थोड़ा सा साड़ी वगैरह पहनूंगी, वो वीडियोस में आपने कई सारे बड़े बड़े ब्लॉगरों को देखा होगा ना, वो फूल छिड़कते हैं, ऐसे वैसे करूँगी थोड़ा सा, मैं भी देखूँगी। बट एक ऐसा होता है कि अभी हम गाँव में रहते हैं तो थोड़ा सा, और हाँ मतलब मायके में होता तो फिर भी मैं कर लेती। इधर थोड़ा ऐसा कि सास ससुर हैं, दादाजी लोग हैं और अगल बगल से भी लोग हैं, तो थोड़ा सा एक मतलब होता है ना शर्म सी लगती है, और शर्म भी नहीं, एक थोड़ा सा होता है रिस्पेक्ट देना, तो अच्छा नहीं होता ये सब, इसलिए मैंने नहीं करा, कोई बात नहीं। और वो आ रहे हैं, वो इसी चीज़ की खुशी है, नहीं तो मैंने सोचा, मतलब मैंने काफ़ी कुछ सोचा था करने का, बट चलो कोई बात नहीं। नॉर्मली गांव में जिस प्रकार से रहा जाता है उसी प्रकार से अपने रीति रिवाजों के साथ चलना चाहिए, फालतू ड्रामे करके क्या ही करना है। तो मतलब जब कोई ना हो तब तो अलग बात होती है, बट ऐसे में तो अच्छा नहीं लगता खुद भी। और ये पहुंचने वाले हैं थोड़ा सा आधा घंटा या एक घंटा लगेगा। और साथ में बनाई हुई है उनकी फेवरेट कड़ी पकौड़ा, तो ये बनाया है आज हमने उनके लिए। खाना बन चुका है तो अभी उनके आने का इंतज़ार करते हैं, उसी के बाद ही खाना खाएंगे। देखते हैं ऊपर कितने बजे तक पहुंचते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं अभी। तो दादी आपको कैसा लग रहा है, नाती घर आ रहे हैं आज आपके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या बनाया आपने नाती के लिए? नाती के लिए हम तक कोई पता नहीं है। खाने में क्या बनाया? जो आती खाए वैसे दे लो। ओके दादा आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है नाती घर आ रहे हैं? नाती सौ पानी में पहुंच गए नीचे। अच्छा हाँ सौ पानी के? नहीं नहीं ये वाला पानी। हाँ पैर में ले जाएंगे। कैसा लग रहा है दादा? करो, बदर करो कुछ। आपको कैसा लग रहा है आप पहले बताओ तो सही। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा ठीक है। मैं लाने जाऊं? मैं लेने जाऊं? बिल्कुल। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा नीचे जाने में। तुम चले जाओ लो। हाँ चलो तो आपने तो पैदल जाना है, पैदल लाना है, कुछ लाना नहीं है। ये ले जा। ये जा, चले जा, चले तुझे क्या ऐसे नहीं करते, तुझे कैसा लग रहा है? ये तो अभी इसने मार खाई अपनी मम्मी के, इसलिए अभी सेंट हो रखा है, अभी कुछ नहीं बोलेगा ये कुछ देर तक। इसने खाया मार। हाँ कहाँ पड़ेगी थप्पड़, कहाँ पड़ेगी रे थप्पड़ ऐसा। तो दोस्तों रोड तक जाने के बस का तो मेरा नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप लगी हुई है और फिर मेरे को ऊपर आने में भी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए जैसे ही यहाँ से आएंगे मैं सीधे वीडियो बनाऊंगी और आपको भी दिखाती हूँ। थोड़ी देर यहाँ पे हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। दोस्तों मुझे ना धक 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 हो रहा है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब शादी से पहले तो चलो मानती थी कि हम कभी मिलते नहीं थे, कभी कभी मिलना होता था, अभी भी खैर शादी के बाद अभी मिल रहे हैं, बट अभी मैं ना धक 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 सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, नर्वसनेस थी और खुशी भी हो रही है। तो दोस्तों मैंने सोचा थोड़ा सा नीचे तक चलती हूँ उनको लाने के लिए रोड में, तो अभी वो खड़े हो रखे हैं, थोड़ा सा मैंने बोला बैग लेके आ जाती हूँ, थके हुए होंगे, और क्योंकि 2 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं इस वजह से, और मुझको काफ़ी ज़्यादा शर्म भी लग रही है, क्योंकि वो बोलेंगे भयंकर कैसे जा रहे हैं। पता नहीं बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बट खुद तो लगता ही है ना अजीब सा। चलो मैं आपको मिलाती हूँ उनसे। मैं अपने साथ ना अपने देवर जी को लेके जा रही हूँ। हाय पत्तू। दोस्तों फाइनली मैं ना रोड में पहुँचने वाली हूँ, और मेरे को हो रहा है धक 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 धक। आपको भी दिखाती हूँ, अभी मैंने देखी नहीं, मतलब अब मैं पहुँच गई हूँ। थोड़ा सा आगे पे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे होंगे। देख 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 पार तू, तेरे भेजेगा कमचन कक्ष।
तो वहाँ पे रहे, वहाँ पे बैठ रखे हैं आराम से। तो चलिए आपको मिलाते हैं। अब बहुत ज़्यादा कमजोर हो रखी है इसने भी।